तीन गुरुओं की फरियाद को बड़ादेव कमरुनाग ने अस्वीकार कर दिया है। गुरुओं के कंधों पर भविष्यवाणी करने वाले बड़ादेव कमरुनाग आखिर क्यों रुट गए हैं? इसे लेकर मंडी जिला के हजारों किसानों और बागवानों में मंथन शुरू हो गया है। बड़ादेव कमरुनाग बारिश बरसाने को लेकर क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? देवता के कारदारों में इस बात को लेकर असमंजस का माहौल है। तीन माह से सूखी जमीन को हरा भरा करने के लिए रात दिन प्रयास किए जा रहे हैं। देव कमरुनाग के कारदारों में भी असंतोष की लहर है। आखिर क्यों देव कमरुनाग बारिश बरसाने में आनाकानी कर रहे हैं? इसे लेकर कारदारों और गुरों में भी चर्चाओं का माहौल गर्म है। सूखी जमीन में भावी फसल को उगाने की आस लगाए बैठे मंडी जिला के हजारों किसान और बागबान बारिश की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, मगर देवता क्यों नाराज है इसका न तो गुर पता लगा पा रहे हैं और न ही कारदार। मंडी जिला में गंदम की फसल की बिजाई सूखे की चपेट में है। सेब बागवानों को खाद गोबर गले की फांस बना हुआ है। बड़ादेव कमरुनाग से बारिश का पत्ता मांगने के लिए तीन गुरुओं नीलमणि, पूर्व गुर धर्मदत्त और हेतराम ने देवता से बारिश बरसाने के लिए पत्ता मांगा है, मगर तीनों गुर बारिश बरसाने में असफल हो गए हैं। देवता के गुरुओं की असफलता चर्चा का विषय बनी हुई है। कमरु घाटी के किसानों और बागवानों का कहना है कि देव कमरुनाग के दरबार बकरा पहुंचते ही बारिश हो जाती थी, मगर कोर्ट के फैसले के बाद बकरा बलि बंद होने से देवता भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कमरुनाग देवता के गुरु नीलमणि ने बताया कि वर्तमान गुरु समेत दो पूर्व गुरुओं ने देवता को बारिश बरसाने के लिए धूप दिया है। अब देवता के हाथ में है कि बारिश कब होगी। बहरहाल मंडी जिला में बारिश बरसाने वाले देव कमरुनाग पर हजारों बागवानों और किसानों को आस है। बारिश न होने से फसल बर्बाद होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।